दोस्तों ज्यादातर मोबाइल गेम्स हम अपने टच कंट्रोल्स की मदद से खेलते हैं जो कि हमें गेम में देखने को मिलते हैं, लेकिन उन गेम्स में हमें कंट्रोलर सपोर्ट भी देखने को मिलता है और वो सिर्फ उसी गेम्स में ज्यादा दिया जाता है जिनमें टच कंट्रोल्स में खेलने में काफी दिक्कत आती है। इसलिए मैं कुछ आपको टॉप 25 ऐसे गेम्स है वो बताने वाला हूँ जो कि गेम तो मस्त है, साथ में हाई ग्राफिक्स में उनका गेम प्ले भी काफी मस्त है, लेकिन उनमें आपको कंट्रोलर सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि आपको खेलने में आसानी हो और आपको ज्यादा मजा आए। वैसे भी यार फोन स्टैंड पर रख दो ना, उसके बाद कंट्रोलर की मदद से खेलो तो उसमें एक अलग ही मजा आता है। और आप कंट्रोलर कोई भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, लेकिन एक्सबॉक्स वाला बेस्ट रहेगा या फिर जो मोबाइल से अटैच हो जाते हैं आप उनमें से भी कोई देख सकते हो। और आज की वीडियो का जो लाइक गेम रखने वाला हूं वो है 3000 लाइक, जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर देना। नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा गेम है वो है शैडोगन लेजेंड्स। भाई काफी पुराना गेम है, मैड फिंगर की तरफ से आता था। अगर आपने पीसी के ऊपर गियर्स या ऐसे तगड़े गेम्स खेले हैं ना, शूटिंग वाले जिसमें दोस्तों के साथ जाते हो और सामने एनिमीज आते हैं काफी खतरनाक, तो कुछ ऐसा ही गेम होने वाला है यहां पे। साइंस फिक्शन शूटिंग पूरा गेम होने वाला है, ये काफी एडवांस वेपन्स देखने को मिलेंगे, खुद को अपग्रेड भी करोगे, इसके अलावा जो बॉस आते हैं काफी बड़े बड़े उनसे बैटल करोगे तो काफी मजा आएगा। सेकंड पोजीशन पे जो हमारा गेम है वो है प्रोजेक्ट हजार्ड। पूरा नाम पढ़ सकते हो एस्ट्रो टेकर के जैसे पूरा है, लेकिन ये एक ज़ॉम्बी वाला गेम होने वाला है और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो कि मेरे को काफी मस्त लगी। इसमें आपको अलग अलग लोकेशन पे मिशंस पे भेजा जाता है और वहां पे जाके सिंपली आप क्या करते हो, बस ज़ॉम्बीज आते हैं उनको मारते हो, अलग अलग वेव्स देखने को मिलती हैं, बाकी खुद को अपग्रेड भी करोगे, एडवांस वेपन्स देखने को मिलेंगे, तो काफी मस्त गेम है। हमारा थर्ड गेम है मेटल रेवोल्यूशन। दोस्तों अगर आपको फाइटिंग गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है तो ये गेम आपको काफी पसंद आएगा। इसमें जितने भी हमारे करेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो रोबोट्स टाइप में ही देखने को मिलते हैं जिनमें काफी एडवांस तरह के वेपन्स होते हैं भाई उनके पास और स्पेशल एबिलिटीज होती है हर करेक्टर के पास, तो ऐसे फाइटिंग गेम्स खेलने में काफी मजा आता है। और ये बिल्कुल पीसी लेवल की क्वालिटी वाला फाइटिंग गेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इसको कंट्रोलर की मदद से भी खेल सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है। हमारा फोर्थ गेम है समुराई जैक। ये गेम अभी सिर्फ iOS डिवाइसेस के लिए, अभी एंड्रॉइड के लिए नहीं आया, लेकिन गेम काफी मस्त होने वाला है। अगर आपको कुछ एक्शन एडवेंचर चाहिए ना तो ये गेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिलेगा, बाकी धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करोगे, नई नई स्किल्स हैं वो स्वॉर्ड्स में देखने को मिलेंगी जो कि काफी कूल लगती हैं। बाकी समुराई जैक सीरीज शायद कार्टून में मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी, बाकी किस किस ने देखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है फिशिंग प्लैनेट। दोस्तों अगर आपको फिशिंग करना पसंद है ना, बिल्कुल एक सिमुलेशन गेम ढूंढ रहे हो फिशिंग वाला, तो ये वाला गेम बेस्ट होने वाला है। गेम का साइज काफी ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से ना गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी मस्त रखी गई। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो वाटर की, इसके अलावा आप फिशिंग कर रहे हो और यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। फिश उस हिसाब से रिएक्ट करती है, खुद डिसीजन लेती है, वो चीज काफी मस्त लगती है सिचुएशन के हिसाब से। तो एक बार अगर आपको फिशिंग सिमुलेटर ट्राई करना है तो आप इसको कर सकते हो। सिक्स पोजीशन पे हमारा गेम आता है फार्मिंग सिमुलेटर 23। दोस्तों अगर आपको फार्मिंग करना पसंद है ना, ऐसे पूरा सिमुलेशन गेम चाहिए जिसमें आप पूरी एक फार्मर की लाइफ जीते हो, जो भी उसके पास व्हीकल्स होते हैं वो यूज करते हो, तो ऐसी लाइफ अगर आप जीना चाहते हो ना तो ये वाला गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और ये काफी पॉपुलर सीरीज है ऑलरेडी पीसी और कंसोल्स के ऊपर भी, और इसका मोबाइल पोर्ट भी काफी मस्त होता है और इसको कंट्रोलर की मदद से खेलोगे तो गेम खेलने में और भी मजा आएगा। हमारा सेवंथ पोजीशन पर जो गेम आता है उस गेम का नाम है अननोन फेट। दोस्तों ये भी गेम काफी मस्त होने वाला है। अगर आपको कुछ डार्क ऐसे पजल वाले गेम पसंद आते हैं ना जिसमें डार्क स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, काफी सीक्रेट्स है वो रिवील होते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट के ऊपर, और विजुअल वाइज भी ये वाला गेम ना काफी मस्त होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कटसीन की क्वालिटी भी क्या देखने को मिलती है और साथ में स्टोरी मोड भी देखने को मिल रहा है, पजल सोल्व कर रहे हो, मिस्ट्री वाला पूरा गेम होने वाला है, तो कुछ ऐसा अगर आपका टेस्ट है तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। एट्थ पोजीशन पे जो हमारा गेम है वो है स्लॉटर 3 द रेबल्स। दोस्तों स्लॉटर ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, उसका थर्ड पार्ट है और यहाँ पे आपको प्रिजन एस्केप करना होता है, कुछ ऐसे कंसेप्ट के ऊपर पूरी स्टोरी रहने वाली है। लेकिन गेम की क्वालिटी देखो पहले तो भाई काफी मस्त है, और रास्ते में बहुत सारे आपको एनिमीज भी देखने को मिलेंगे तो उनको मारते हुए जाओगे, एक पूरा स्टोरी मोड देखने को मिलेगा, तो काफी मस्त गेम है। नाइन्थ नंबर पर हमारा गेम आता है डिज्नी स्पीड स्टॉर्म। अगर आपको डिज्नी के करेक्टर सारे पसंद आते हैं ना, जो भी आपको मूवीज या कार्टून सीरीज में देखने को मिलते हैं, तो वो सारे करेक्टर्स मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक रेसिंग गेम होने वाला है, जैसे बग्गी रेसिंग होते हैं कुछ वैसे ही करके, कार्ट रेसिंग वाले गेम होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और रास्ते में आप एबिलिटीज यूज कर सकते हो एनिमीज को स्लो करने के लिए, तो काफी मस्त गेम है। अगर जिनको रेसिंग गेम पसंद हो साथ में डिज्नी के करेक्टर्स, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। टेंथ पोजीशन पर जो हमारा गेम आता है उस गेम का नाम है शैडो फाइट अरीना। दोस्तों ये शैडो फाइट पर्सनल मेरा फेवरेट है भाई। शैडो फाइट 2 तो मोस्टली सभी लोगों ने खेला ही होगा, लेकिन अगर आप अरीना खेलते हो ना, इसमें करेक्टर्स आपको दिखते हैं, ऐसा नहीं शैडोज है भाई, करेक्टर्स दिखेंगे और सारे करेक्टर्स अलग अलग हैं, सबके पास स्पेशल एबिलिटीज है भाई, सबके पास अलग पावर देखने को मिलती है, उनको आप आगे जाके अनलॉक कर सकते हो और पूरा फाइटिंग गेम होने वाला है, ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हो, तो काफी मस्त गेम है। लिस्ट पे जो हमारा 11th पोजीशन पर गेम है वो है ब्रदर इन आर्म्स 3। दोस्तों गेम लोफ्ट के जो पहले गेम्स होते थे ना वो काफी मजेदार है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल आप ब्रदर इन आर्म्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे मिलिट्री वाली स्टोरी दिखाई जाती है भाई, वो वॉर पे जाते हैं ऐसा कंसेप्ट है, आपको अलग अलग मिशन लोकेशन पे भेजा जाता है, वहां पे जाके आप फाइट करते हो, बाकी गन्स वगैरह अपग्रेड भी करोगे और कटसीन भी देखने को मिलते हैं। तो फुल अगर आपको कोई शूटिंग गेम चाहिए ना कैंपेन मोड वाला, तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। हमारा 12th पोजीशन पर जो गेम आता है
आता है वो है डियाब्लो इमोर्टल। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ये गेम फाइनली मोबाइल के लिए लॉन्च हो गया था और काफी मस्त भी और काफी पॉपुलर भी हुआ। ये एक MMORPG गेम होने वाला है जिसमें आपको अलग अलग करेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके पास स्पेशल पावर्स ना अलग अलग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे काफी डार्क रियल में ऐसे जिनको आप एक्सप्लोर करते हो, कलेक्ट करते हो, लूट करते हो, अपग्रेड करते हो खुद को, पूरा ऐसे कंसेप्ट के ऊपर गेम होने वाला है। नंबर 13 पोजीशन पे जो हमारा गेम आता है उस गेम का नाम है टावर ऑफ फैंटेसी। जेंशन इंपैक्ट काफी पॉपुलर होने के बाद टावर ऑफ फैंटेसी का भी गेम प्ले बिल्कुल आपको सिमिलर वैसा ही देखने को मिलता है। ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, स्टोरी मोड देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी कटसीन देखने को मिलेंगे, खुद को अपग्रेड करोगे और इतने सारे खतरनाक बॉस बैटल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको जेंशन इंपैक्ट पसंद आया था ना ऐसे एनिमे स्टाइल वाला तो आपको टावर ऑफ फैंटेसी भी काफी पसंद आएगा। 14 पोजीशन पे जो हमारा गेम है वो है रैक फेस्ट। पीसी के ऊपर काफी पॉपुलर होने के बाद इसका मोबाइल वर्जन भी काफी मस्त बनाया गया। गेम की क्वालिटी देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने गेम प्ले चल रहा है और बिल्कुल एक रेसिंग टाइप वाला ही गेम होने वाला है। लेकिन इसमें कार काफी ज्यादा डिस्ट्रॉयज होती है भाई, आपस में टक्कर करते हो, रियल फिजिक्स है वो काफी हद तक देखने को मिलती है। तो काफी कूल गेम है, पीसी के ऊपर भी खेला था तो मोबाइल पे भी जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। लिस्ट पे जो हमारा 15 नंबर पर गेम आता है वो है स्ट्रीट फाइटर 4 चैंपियन एडिशन। पीसी और कंसोल्स के ऊपर काफी पॉपुलर सीरीज है ये वाली फाइटिंग वाली और इसका मोबाइल वर्जन भी काफी मस्त बनाया गया। यहाँ पे आपको अलग अलग करेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उनके पास स्पेशल पावर्स भी होती है अटैक वाली, जैसे मोस्टली टेकन में देखने को मिलती है। तो आप अपनी मर्जी का करेक्टर चूज करने के बाद उसका स्टोरी मोड खेल सकते हो, फाइट कर सकते हो, तो काफी मस्त गेम है, एक बार गेम को जरूर ट्राई करना। लिस्ट पे जो 16 पोजीशन पर गेम आता है उस गेम का नाम है ओडमा। नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर ये वाला गेम होने वाला है भाई और काफी मस्त है। यहाँ पे अगर आपको प्लेटफॉर्म टाइप गेम पसंद आते हैं जिसमें आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिलता है, ऐसे करेक्टर हमारा सर्वाइव कर रहा है और यहाँ पे अलग अलग बॉस वाले सीन भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी मस्त है। मेन इस गेम में होता है एडवेंचर भाई, जो कि आपको खूब देखने को मिलेगा और बाकी आपके पास अलग अलग पावर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो एनिमीज को मारने के लिए। लिस्ट पे जो हमारा 17 पोजीशन पर गेम आता है वो है डेथ पार्क 2। भाई हमारी लिस्ट में कोई हॉरर गेम ना हो वो भी एंड्रॉइड के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा ही हॉरर वाली वाइब आपको देखने को मिलेगी। आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो इस घर में लेकिन आपको एक गोस्ट से भी बच के रहना पड़ेगा जो कि मारना चाहता है भाई आपके भाई को, कुछ ऐसा करके कंसेप्ट होने वाला है और काफी डार्क गेम भी है भाई। गेम की क्वालिटी भी काफी मस्त है। अगर आपको कुछ हॉरर गेम खेलने का मन है ना तो इस गेम को बिल्कुल भी मिस मत करना। लिस्ट पे जो 18 पोजीशन पर गेम है वो है स्नोब्रेक कंटेनमेंट जोन। अगर आपको साइंस फिक्शन ऐसे शूटिंग गेम चाहिए ना, साइंस फिक्शन वाला जिसमें एडवांस काफी टेक्नोलॉजी देखने को मिले, रोबोट्स देखने को मिले जिनके साथ फाइट हो रही है और वो एनिमीज भी भाई रोबोट जो है ना इतने बड़े बड़े, उनसे फाइट करने में आपको काफी मजा आएगा। बाकी गन्स वगैरह भी अपग्रेड करोगे, स्टोरी मोड भी गेम में से देखने को मिलेगा और साथ में पीसी जैसे हाई क्वालिटी कटसीन भी देखने को मिलते हैं। लिस्ट पे जो 19 पोजीशन पर गेम आता है वो है बास्केट रियो ऑल स्टार स्ट्रीट बॉल। भाई अगर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है ना, यहाँ पे टच कंट्रोल्स में आप सोच सकते हो अगर आप कोई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हो कितनी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन इसमें कंट्रोलर स्पोर्ट है और बास्केटबॉल भाई क्या मस्त गेम खेला जाता है उसके बाद कंट्रोलर के बाद। तो आपको अगर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है तभी इस गेम को ट्राई करना, वरना इस गेम को छूना भी मत। लिस्ट पे जो हमारा लास्ट गेम है वो है कार एक्स स्ट्रीट। भाई ऑनलाइन अगर कार रेसिंग वाला कोई गेम ढूंढ रहे हो ना अच्छे ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ जिसमें मस्त मस्त कार देखने को मिले, उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये वाला गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे गेम की क्वालिटी देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने गेम प्ले चल रहा है जो कि काफी मस्त है और साथ में कंट्रोलर सपोर्ट भी मिल रहा है और रेसिंग गेम कंट्रोलर पे खेलने का एक अलग ही वाइब आती है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एक बार फिर से याद दिला दूं वीडियो का लाइक 3000 है भाई, जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो ना, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो ऐसे एंड्रॉइड के रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पे देखने को मिलते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।